पर आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हिंदुस्तान एक है और एक ही रहेगा, लेकिन आज बात देश के उस राज्य जो खुद को विशेष समझता है और उसकी जमीन पर आतंक पनपता है। आज बात उस राज्य की जिसको देश में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन यही धरती जवानों की शहादत से लाल होती है। यही धरती जमीनों के शहीदों के लिए कब्रगाह बन जाती है और इसके पीछे की बड़ी वजह है अनुच्छेद 370। ये देश के सीने पर वो खंजर रूपी कानून है जो अस्थाई है, अल्पकालीन था, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी खत्म नहीं हो पाया और देश में इस राज्य में शांति कायम करने की सजा जवानों को मिलती रही है। यहां हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाना अपराध नहीं है, यहां तिरंगे का अपमान अपराध नहीं है, यहां जवानों पर पत्थरबाजी आम बात है। आज पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है और वो है आतंक को मिटाना है, अनुच्छेद 370 को हटाना है। तो क्या यह अनुच्छेद हटाने का वक्त आ गया है? जवाब तो देना पड़ेगा। सबसे पहले वक्त आ गया है ये समझने का कि धारा 370 दरअसल क्या है। तो इसको समझाने के लिए हम ग्राफिक्स का सहारा ले रहे हैं और जरा समझिए। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान यहां पर की गई है। इसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसिमिलेशन तहत आता है अनुच्छेद 370 और इसके प्रावधानों को शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था। अनुच्छेद 370 को अस्थायी तौर पर संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन अफसोस 70 साल बाद भी इसको खत्म नहीं किया गया। कश्मीरियों को अलग पहचान को बरकरार रखना इसका मकसद था। 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। नवंबर 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया था। अब हम आपको वो बातें बताते हैं जिनके बाद आपको लगेगा कि इस अनुच्छेद का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होने के बाद भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जरा देखिए, राज्य की नागरिकता, प्रॉपर्टी का ओनरशिप और अन्य सभी मौलिक अधिकार राज्य के पास रहेंगे। अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकते हैं, जबकि ये कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है दोहरी नागरिकता, एक देश की और दूसरे राज्य की। जम्मू कश्मीर का अलग अपना झंडा और प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा भी जरा देखिए अनुच्छेद 370 की बड़ी बातें और क्या क्या है। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है, वो खुलेआम ये करते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश भी मान्य नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत के सर्वोच्च अदालत के आदेश मान्य नहीं होते, ये भी यहाँ पर सामने आया। और जम्मू कश्मीर की महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है, जबकि इसके उलट क्या है, कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान हो जाती है। धारा 370 के तहत कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है और यही वजह है कि वो यहाँ पर आकर पनपते हैं। यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल महज 5 साल का ही होता है। ये भी एक विशेष अधिकार वहां पर प्राप्त है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार यानी कि RTI लागू नहीं होता, यानी कि आप सरकारी महकमों से कोई जानकारी इकट्ठी वहां पर RTI के जरिए नहीं कर सकते हैं। धारा 370 के तहत और भी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पर लागू नहीं होती, मसलन शिक्षा का अधिकार वहां पर लागू नहीं होता है, कैग भी वहां पर लागू नहीं होती है, और इसके अलावा कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण भी नहीं मिलता है। यानी कि हिंदुस्तान पूरा अलग और अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर अलग। 370 में संशोधन के लिए संसद को राज्य की अनुमति लेनी जरूरी है, ये भी अनुच्छेद 370 के तहत। और विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर ही जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आप हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाइए अपराध नहीं है, झंडे को जलाइए अपराध नहीं है, जवानों पर पत्थरबाजी कीजिए अपराध नहीं है, और इन सबके पीछे की वजह अनुच्छेद 370 है। सुप्रीम कोर्ट के नियम निर्देश को मानने को भी यह बाध्य नहीं है। तो क्या धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाने की पहल यहां पर सरकार को करनी चाहिए और वक्त ये आ गया है कि इसको हटाया जाए, हिम्मत की जाए कि इसको हटाने की जरूरत महसूस हो गई। सवाल इस बीच ये भी है कि क्या प्रदेश और देश की नेता
अन्य अन्य सरकारें, अन्य अन्य पार्टियां इस मामले पर एक साथ खड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अनुच्छेद 370 बीजेपी हटाए, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। जरा सुन, बड़ी चुनौती है पूरी कंट्री के लिए, और जब चुनौती पूरे देश के सामने हो तो ये मानकर चलिए कि चैलेंज के साथ लड़ने के लिए इस देश ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ खड़े होकर मुकाबला किया है। इस वक्त आतंकवाद हमारे लिए सबके लिए चुनौती है। वक्त आ गया जब आतंकवाद को बिल्कुल मिटाने के लिए सबको एक होकर बड़े सख्त फैसले की जरूरत है। मौका है 370 हटाने का, सारी पार्टियां एक साथ खड़ी है, पूरा देश चौराहे पर खड़ा है, तिरंगा हाथ में लेकर सब बुलंद कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाज़। वंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा हो तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। हटाइए धारा 370 और घर में घुस के मारिए आतंकवादियों को। डरते थोड़ा ना हिंदुस्तान के लोग, लड़ने और मरने के लिए तैयार खड़े हैं हम सब, पूरा देश तैयार खड़ा है, ऐसे हमारी फौज भी तैयार है, और अब हद हो चुकी है, जवाब ठोक कर देना होगा। तो फौज भी तैयार है, सरकार भी क्या तैयार है अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए? बयान के बाद कुछ सवाल जो फर्स्ट इंडिया उठा रहा है, और ये सवाल क्या है ये भी आज आपके सामने होने चाहिए। क्या यह अनुच्छेद आतंक को पनपाने वाला हथियार बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति वहां पर है ये सवाल खड़ा होता है। क्या इस अनुच्छेद का खामियाजा हिंदुस्तानी जवानों को भुगतना पड़ रहा है? ये अपने आप में सबसे गंभीर सवाल, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। क्यों इस अनुच्छेद को अस्थायी और अल्पकालीन होने के बाद भी हटाया नहीं जा रहा? क्या इस अनुच्छेद की वजह से आतंकियों के लिए जम्मू कश्मीर पनागाह बन चुकी है? इसके अलावा एक और सवाल खड़ा होता है, क्या जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू ना होना अपराध नहीं है, और देश के इस राज्य में हिंदुस्तानी विरोधी नारा लगाना अपराध क्यों नहीं माना जाता है, जबकि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है? और जब सभी पार्टियां अनुच्छेद 370 हटाने को तैयार, तो फिर देरी किस बात की जा रही है? और सबसे गंभीर और सबसे बड़ा सवाल यही कि जब सभी पार्टियां, पूरा देश, सरकार, नेता, जनता और फौज, हर कोई ये चाहता है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए, तो हटाने के लिए देरी क्यों की जा रही है? इस पर जवाब हम मांगेंगे, और हमारे साथ मेहमान मौजूद है बीजेपी नेता अमित गोयल जी, कांग्रेस नेता विचार व्यास जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, और वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब। भगवान सिंह जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, क्यों हम ये जो कह रहे हैं कि अगर अनुच्छेद 370 को वहां से हटा दिया जाए तो आतंकवाद की कमर को तोड़ा जा सकता है, या उल्टा समझिए, अनुच्छेद 370 की वजह से आतंकवाद वहां पर पनप रहा है और हमारे जवानों की शहादत हो रही है, क्या मैं सही कह रहा हूं सर? मेरे ख्याल से आप सही नहीं कह रहे जी, क्योंकि धारा 370 और आतंकवाद का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है सर। ये सीधा कनेक्शन नहीं, सीधा ये अनुच्छेद ये अधिकार देता है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक आकर जम्मू कश्मीर के लड़के से शादी करे और वहां की नागरिकता ले ले, हिंदुस्तान के साथ ये बिल्कुल उलट है। वो ठीक है, वो धारा के जो भी, इस धारा के जो भी प्रोविजंस हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं, उनमें सुधार करने की गुंजाइश हो सकती है। सर, हौसला बढ़ता है, आप तिरंगा जलाइए अपराध नहीं, भारत विरोधी नारे लगाइए अपराध नहीं, पत्थरबाजी कीजिए अपराध नहीं, पाकिस्तानी नागरिक आ जाता है यहाँ पर नागरिकता ले लेता है ये भी सही है, ये आतंक को पनपाती नहीं चीजें, हौसले बढ़ाती नहीं वहाँ के नागरिकों की? देखिए बात ये है, सेंटर का कानून यदि चाहे सरकार तो इन्होंने एफ्ता लगा रखा है, यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, हम उस एक्ट के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज काम करती हैं वहाँ पर, तो ये जब तक ये डायल्यूट नहीं होता धारा 370 इसके सामने नहीं आती है, क्योंकि ये ओवरराइड करता है उसको, ये सिक्योरिटी से संबंधित मामला है, वो अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मसलों से जुड़ा हुआ है, जबकि ये सिक्योरिटी का मामला है, तो सिक्योरिटी एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है, इसलिए ये कहना कि धारा 370 बीच में आती है, नो, ये जो आफ्ता है, जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट है, इसको डायल्यूट यदि ना करें तो इंसर्जेंसी कंट्रोल करने में आसान रहेगी, और इसी धारा, इसी कानून के तहत इंसर्जेंसी कई बार कंट्रोल की जा चुकी है, बिल्कुल 3-4 बार ना के बराबर यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं जिसमें 70-80% वोट पड़े हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से बात यह है कि ये जो उग्रवाद का मसला है इसके क्या कारण है, वो कारण अलग अलग है, खाली धारा 370 हो सकता है एक है उसमें, लेकिन खाली इसी अगर एक है और जो अस्थाई और अल्पकालीन था, उसको 70 सालों से देश क्यों ढो रहा है?
बट देखिए ये भी, यदि आपने बदली करना है तो इसके लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज पहले तैयार करनी पड़ेगी जी। यदि ग्राउंड तैयार, आप जनता तैयार कोई चीज के लिए नहीं है तो आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते हो आज के दिन में। ये कोई चाहे वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। अमित गोयल जी, 2014 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, दो मुद्दे, धारा 370 को हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर पर मैं अभी बहस नहीं कर रहा हूं सर, धारा 370 को हटाएंगे कहा गया था, आज कांग्रेस भी साथ है, हटाने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? देखिए सबसे पहली बात, 2014 में नहीं, हम तो जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है तब से 370 के खिलाफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर हमेशा मांग करी कि धारा नहीं रहनी चाहिए। हमारे बहुत बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, वो इसी के लिए शहीद हुए और कश्मीर की जेल में शहीद हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो आज तब से लेकर आज तक एक ही लाइन है, 370 हटनी चाहिए। अब आज का विषय यह है कि माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका यह बयान आया है कि इस तरह को तुरंत हटा लेना चाहिए। निश्चित रूप से मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ, अगर एक भारत के नागरिक के नाते उन्होंने दिया है तो। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंत्री के नाते बयान दिया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, मेरा आपसे निवेदन है, राहुल गांधी जी हर 5 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा ही एक बयान राहुल गांधी जी दिलवाइए कि पूरा देश खड़ा है, हम चाहते हैं 370 हटे। क्योंकि उन्हीं के जो कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोच रहे हैं, वो माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो देवगौड़ा जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि धारा 370 पर कोई विचार नहीं हो सकता, इसी कारण कश्मीर भारत का से जुड़ा हुआ है, अगर इसको हटाया जाएगा तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। अमित गोयल जी मुझे ये बताइए, इस वक्त सरकार किसकी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इसका भी जवाब देता हूं, सरकार किसकी है? इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए ये आपको पता है कि हम एक कानून लाए थे, 3 तलाक का बिल लाए थे हम, वो मुझे धारा 370 पर आपसे बात करनी है, मुझे 370 पर बात करनी है। जेंद्र भाई मैं आपको जवाब, क्या इसका कोई बिल आया गया? जेंद्र भाई मैं इसका जवाब, क्या इसको लोकसभा के पटल पर रखा गया? आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए सर, मैं कह रहा हूँ 370 को लेकर आपको मैं बता दूं, हम बिल लाए 3 तलाक का, हम बिल लेकर आए नागरिक संशोधन विधेयक लेकर आए, वो पास क्यों नहीं हुए? वो पास इसलिए नहीं हुए कि राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, और इस लोकसभा के कार्यकाल के अंतिम दिन वो रद्द हुआ। जब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख नेता, कश्मीर के प्रमुख नेता का बयान आ गया, उसके बाद में कांग्रेस के किसी बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर प्रतिक्रिया माननीय सोनिया गांधी जी की आती, राहुल गांधी जी की आती कि हम उनसे सहमत नहीं है और 370 हटनी चाहिए, कोई भी बयान मुझे कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता का बता दीजिए, मैं बिल्कुल 100% मान लूंगा कि हमारी कमजोरी है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा 370 का समर्थन किया, और लगाई किसने? मेरी बात शेख अब्दुल्ला के कहने पर हम धारा 370 हटाने को तैयार हैं, पार्टी बताइए कौन-कौन हमारे साथ। एक बात और जवाब दे दूं मैं आपको जी, ये जो 370 लगाई किसके कार्यकाल में लगी? नेहरू जी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला जी उनके मित्र थे, भीमराव अंबेडकर जी ने इस धारा को लगाने का विरोध किया, कांग्रेस के संविधान की जो मीटिंग हुई उनकी, कांग्रेस जी खुद की, उसमें उसका विरोध हुआ और उसके बाद केंद्र धारा लगी। अमित गोयल जी मुझे बताइए, 1947 में हम जी रहे हैं, 2019 में? मैं मान रहा हूँ 2019 में जी रहे हैं, लेकिन सरकार को किसी भी विधेयक को लाके पास कराने के लिए मेरी बात नहीं है। सरकार को 2019 में उसी को गाएंगे विजेंद्र भाई, सरकार को किसी भी विधेयक को लाकर पास कराने के लिए राज्यसभा में बहुमत चाहिए, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं। विचार व्यास, विचार व्यास, ये बयान प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया, हमने उनसे बाकायदे सवाल भी किया कि ये आपका व्यक्तिगत बयान है या फिर कांग्रेस के मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, कांग्रेस का मंत्री हूं, और मैं कह रहा हूं कि धारा 370 को हटाया जाए, कांग्रेस साथ है। बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक मिनट में मैं आपको 5-7 सवालों के साथ अपनी बात रखूंगा। कश्मीर जल रहा है, जिस प्रकार से केसर की क्यारियां जो हैं खत्म हो गई हैं, बादाम और अखरोट के दरख्त जारजार हो गए हैं, कश्मीर की जो खूबसूरती थी, कश्मीर की आज क्या स्थिति हो गई है, आज देश में जिन वादे और जिन बयानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, लोगों ने इतना इन पे विश्वास किया, इतना हाई मैंडेट इनको देकर के भेजा। मुझे छोड़िए ना ये सब, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। मुझे वो 46 घर भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ से जवान चला गया है, बिल्कुल उनका बेटा चला गया उनके घर। लेकिन बात को समझना पड़ेगा ना विजेंद्र जी, आज आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, जबकि सवालों के घेरे में कौन होना चाहिए? तो कांग्रेस साथ है या नहीं है, नहीं आप ये बताइए मुझे। देखिए सवाल पे सवाल मत करिए, मेरे को पहले सर, मेरा एक ही सवाल है, मेरा प्रोग्राम एक सवाल के साथ है, अगर देश से धारा 370 हटाई जाती है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है? आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार किसकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं कह रहा हूँ कि अगर धारा 370 हटाई जा रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है? कांग्रेस समर्थन करेगी ये तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन यानी कि आप प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप
मेरी बात को भी समझिए, आपने अपना सवाल थ्रो कर दिया, नाउ लेट मी आंसर। सर मुझे आप किसी भी दिशा में सवाल का जवाब देंगे मैं नहीं लूंगा सर, मुझे ये बताइए या तो ये कहिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो दिया बयान वो सही है, कांग्रेस धारा अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में है, या फिर ये कहिए कि आप उनके बयान से सहमत नहीं और शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा आप उसके साथ हैं। आज पूरा एक देश, तो चुनेंगे ना, आज पूरा देश बदलाव चाहता है, बदले की भावना से चाहता है। आज सारे सैनिकों की जो हमारी शहादत हुई है, क्या हमारे रणबांकुरों की खून की कीमत इतनी ही थी इसके साथ कांग्रेस खड़ी? आप 370 का जवाब हमसे मांग रहे हैं, आपको जवाब इनसे मांगना चाहिए, इन्होंने वादे किए थे। आज की सरकार सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बैक कर रही है विचार व्यास, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर अगर देश में धारा 370 हटाई जाती है, कांग्रेस छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस बात से नाराज है। सर घूमते जाइए, जिन वादों से आप आए कोई बात वादों पे आप खड़े नहीं उतर पाए। एक एजेंट साहब, मूलभूत बदलाव आपको करने चाहिए। क्या देश में स्थिति आन पड़ी है, क्यों राजस्थान का आदमी महाराष्ट्र में जाके व्यापार कर सकता है, और अगर आर्टिकल 370 को हटाया जाए तो क्या ये मुमकिन है कि लोकसभा से इस कानून को पारित कर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का सफाया किया जा सकता है? एक एजेंट साहब, पहले की हम जब विवाद शुरू करते हैं तो हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कानूनी पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना चाहिए। बार बार शोर मचता है कि इसने कर दिया उसने कर दिया। अक्टूबर 1948 में जब सारे राज्यों ने राजस्थान हिंदुस्तान में विलय कर लिया था, तब तक महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान में विलय नहीं करके वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। पुंछ में विद्रोह हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल ट्रीटी कर ली थी, हिंदुस्तान से नहीं की थी। जब बारामूला तक फौजें आ गई, पाकिस्तानी सपोर्टेड कबायली फौजें, तब जाकर हिंदुस्तान से असेसमेंट किया, और जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट है उसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान का भविष्य में बनने वाला संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ये एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट जो महाराजा हरि सिंह ने लिखा है उसमें लिखा है, और उसने ये लिखा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग संविधान बनाएगी, और जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली में, ये कोई उस टाइम की पार्लियामेंट लेके नहीं आई थी आर्टिकल 370, ये जिस संविधान निम्राती सभा ने ये बनाया था और उसमें ये टेम्परेरी प्रोविजन किया था, और इसके आर्टिकल 2 में साफ लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जम्मू कश्मीर की बनेगी वो ये फ्यूचर के इस प्रोविजन के बारे में तय करेगी। आपने भी बताया कि 1956 में वो खत्म हो गई, इस प्रोविजन के फ्यूचर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये तो इसका पहला बैकग्राउंड है। उसके बाद धीरे 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 उसमें जो शुरू में सिर्फ तीन चीजें हमारे पास थी, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से और वहाँ की गवर्नमेंट की कंसर्न से कुछ और चीजें भी आती गई जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं, जिसका आर्टिकल 35 से भी कहते हैं। 2015 में आर्टिकल 370 को समाप्त करने की चुनौती जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में दी गई, उन्होंने कहा था इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब बनाया तब अमेंडमेंट का प्रावधान रखा, सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा बाकी सब संशोधन किए जा सकते हैं, ये टेम्परेरी प्रोविजन है। अगर आज भी दो तिहाई बहुमत से पार्लियामेंट इसको पारित करे तो एब्रोगेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है कि ये टेम्परे। अब प्रश्न ये कि आज की डेट में वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, पर ये बदली हुई परिस्थितियों में, संविधान की बदली हुई परिस्थितियाँ, विधानसभा तो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वहाँ की विधानसभा इसको अप्रूव कर सकती है, जैसे कि कई बार कुछ कानूनों को अप्रूव किया कुछ को नहीं किया वाली स्थिति है। तो इसलिए ये बात तो सही कि अभी एक प्रधान, क्योंकि सबसे पहले जनसंघ, भाजपा तो अब बनी, जनसंघ का ये नारा मैं जानना चाहता हूँ, देश भी ये जानना चाहता है कि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से इसको पारित नहीं भी कराया जाता है तो क्या लोकसभा और राज्यसभा सामूहिक रूप से एक ऐसे बिल को, एक ऐसे कानून को लागू कर सकती है जिसके बाद अनुच्छेद 370 खत्म हो जाए? ये मुमकिन है इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद 1974 की जो ट्रीटी है उसमें यह साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, इसको सेपरेट होने की पावर उसमें नहीं दी गई। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं भी मानती है तो भारत की पार्लियामेंट सक्षम है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को संविधान के भाग से हटाने के लिए, इसमें किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अमित गोयल, अब जरा बताइए सर, 5 साल लगे इस काम को करने में भी, किसकी जरूरत थी इसकी? विजेंद्र भाई, दोबारा फिर घूम फिर कर वही विषय आ जाएगा। आपने मेरे मित्र विचार व्यास जी से विचार जाने, उनके
उन्होंने कहा प्रताप जी ने अच्छा बयान दिया। मेरी बात सुनो, नहीं नहीं मैं भी उसका स्वागत कर रहा हूँ, राजनीति के लिए नहीं बैठे, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ अमित भाई, यहाँ राजनीति के लिए नहीं बैठे। देखिए मेरा ये जब आपने एक प्रश्न पूछा है कि ये उनका निजी विचार है, कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है, इन्होंने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं भी ये कह रहा हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना पड़ेगा, क्योंकि वकील साहब ने कहा दो तिहाई बहुमत चाहिए। वकील साहब ने कहा, जैन साहब की बात भी सुनी आपने, वकील साहब ने कहा, जैन साहब ने कहा कि दो तिहाई मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए राज्यसभा लोकसभा में। क्या हमारे पास दो तिहाई मेजोरिटी है राज्यसभा लोकसभा में? हमारे बिल क्यों पास नहीं हुए? तीन तलाक का नागरिक संशोधन विधेयक क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भावना के साथ प्रताप जी खाते राहुल गांधी जी का बयान दिलवाइए कि हम तैयार है आपका शक्ति में कमी है, आपकी नीयत में कमी है, क्यों नहीं कर सकते? अरे आगे बढ़े, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, जब जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पढ़ी लिखी है अमित गोयल जी, आपको देख रही है, अगर अपने वादों पे नहीं स्टैंड करोगे तो आप चुनाव हारोगे। जनता देख रही है, ध्यान में रखना, पार्टी के लिए मुसीबत बन जाओगे। जनता देख रही है आप यहाँ का बयान देते हो और संसद में आप कैसा व्यवहार करते हो, जानती है कांग्रेस और राज्यसभा में आ गया। अमित गोयल जी गट से तो लेके आओ, पूछ रहा हूँ क्या वो बिल लाने से पहले कांग्रेस से परमिशन ली गई थी? आप बिल क्यों नहीं लेकर आते हैं? समर्थन वो करें या ना करें वो उनका अधिकार है, आप बिल क्यों नहीं लेकर आए? देखिए विजेंद्र भाई, विजेंद्र भाई ये बहुत, देखिए विजेंद्र भाई ये बहुत चूड़िया रवाना, विजेंद्र भाई मेरी बात सुनिए, बहुत सेंसिटिव मामला है 370 का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसको हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसको लाकर और देश की सारी पार्टियां जो तीन तलाक पर महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का समर्थन इसलिए नहीं करती वोटों के स्थिरण के लिए, क्या वो 370 में समर्थन देंगी? भगवान सिंह जी, मोदी जी सभा कर रहे हैं। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आर्टिकल 370 को वहां से हटाया जाता है जी, क्योंकि जब हर कोई ये कहता है और ये संविधान भी कहता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, तो इस आर्टिकल को हटाने की जरूरत तो महसूस होती होगी। देखिए बात यह है, जो अपने देश के ट्राइबल एरियाज हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ भी इस तरह का इनर लाइन परमिशन है और वहाँ भी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। क्या कोई वहाँ कोशिश कर रहा है कि मैं नागालैंड में बसने के लिए क्या ज़मीन क्यों नहीं खरीद सकता हूँ? ये एक अलग अलग स्टेट्स की अपनी पिक्यूलियरिटीज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में, सर वहां पर किसी को अगर पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाती है, अगर वो किसी से शादी कर ले तो वो क्या नागालैंड की लड़की अगर कानून और जाकर शादी कर ले क्या उसकी नागरिकता? मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में अपने इंटरनल ट्राइबल एरियाज में, जहां ट्राइबल एरियाज है वहां आप जमीन का तो मुद्दा ही नहीं। मेरा तो ये कि क्या नागालैंड में कोई तिरंगा जला देगा वो अपराध नहीं होगा? मैं बात ये कह रहा हूँ जी कि ये मसला आप इस जम्मू कश्मीर में 370 का इस वक्त ऑल ऑफ ए सडन कैसे आ गया? किसी ने बयान दिया, ठीक है, इट्स ओके, उन्होंने बयान दिया, उनकी पार्टी का मत है या उनका व्यक्तिगत मत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या आज अचानक आज के दिन बीजेपी की तो धुरी इसी पर टिकी हुई है? देखिए मेरे को ये बताइए, आर्टिकल 370 उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया कम से कम जी। अजी देखिए बात ये ध्यान आकर्षित की बात नहीं है, ये इस प्रोग्राम को क्लोज यहाँ पर करना है, ये मुझे सिंगल कमेंट यहाँ पर चाहिए, समर्थन दीजिए सिंगल कमेंट यहाँ पर चाहिए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। इमरान खान को बुलाओगे? राहुल गांधी से कहेंगे अगर दोनों सरकार, अगर दोनों पार्टियां चाहे क्या 10 मिनट में कानून लाया जा सकता है? राहुल गांधी जग के आने को तैयार है आपके लिए, आप बैठो, आपने जवाब नहीं दिया सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, आप जवाब नहीं दोगे इस बात का? प्रस्ताव तो लाते नहीं हो, हमारे लोकसभा की बात है, लोकसभा में तो कांग्रेस की 8% सीटें हैं जी, तो सिर्फ कांग्रेस से दो तिहाई बहुमत लोग, और यदि राज्यसभा में बहुमत नहीं भी है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर किया जाता है, और कम से कम इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां। शुक्रिया, शुक्रिया के जनसभा हमारे साथ विचार व्यास, आपका भी शुक्रिया, अमित गोयल आपका भी शुक्रिया, और भगवान सिंह जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल पूरा देश एक ही उठा रहा है कि अगर दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाए तो क्यों ना एक संयुक्त बैठक बुलाकर, सत्र बुलाकर आर्टिकल 370 को खत्म किया जाए, ताकि कम से कम पाकिस्तान का कोई आदमी आकर हिंदुस्तान में नागरिकता हासिल ना करे। जवाब तो देना पड़ेगा, मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जनता का मूड मेरे सहयोगी महेश शर्मा के साथ। नमस्कार।